मैंने सोचा आपको बधाई दे दूं। 2 नवंबर 2020 रात के 12 बजे से अडानी का हो गया एक और एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का नाम है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ। ये एक बात, मगर आपने उन ट्रेन्स को भी चलते हुए देखा जो ट्रेन्स अडानी की है। अडानी की ट्रेन्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, आप ये भी देखिए। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कह रहे हैं रेल कर्मी। किस प्रकार से रेलें नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही रेलें, आपने कभी सोचा है? इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे ट्रेन्स का, हमारे रेलवे का, और आज हमारी ट्रेन्स चल नहीं रही। तो उसके पीछे का कारण है कि अगर हमारी ट्रेन्स नहीं चलेंगी तभी तो लोग अडानी की ट्रेन्स के टिकट खरीदेंगे। मैं नहीं कह रही, सुनिए। पैसेंजर से, अपने प्रधान से, अपने सभासद से, अपने नेता से, अपने सभी लोगों से पूछने का काम करिए। एक सवाल है, आप कहते हो साहब कोरोना की वजह से गाड़ियां बंद हैं, आपने सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोल दिया। जितने भी देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो बस का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो निजी गाड़ियां हो, सबको आपने खोल दिया विदाउट किसी फ्रीक्वेंटली। आप आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। आप इंडियन रेलवे को कोरोना के नाम पे बंद किए हो, ऐसा नहीं, कोरोना के नाम पे नहीं बंद किए। ये उन 150 गाड़ियों का टाइम एडजस्ट करने के लिए, उनका अच्छा टाइम स्लॉट देने के लिए एक टाइम टेबल बना रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप नया टाइम टेबल उन 150 गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए बनाइए, और उन गाड़ियों को 200 किलोमीटर का सिग्नल क्लियर होना, लाइन क्लियर 200 किलोमीटर होनी चाहिए। तो वो टाइम टेबल, चूंकि इंडियन रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, जब हम पहले टाइम टेबल बनाए तब 1 से 2 महीना लगता था, सिर्फ रिव्यू करते थे। आज हमें पूरा नया टाइम टेबल बनाना है तो वो काम 3 से 4 महीने का है। इन्होंने उस काम को जुलाई से शुरू किया है और ये दिसंबर तक खत्म कर लेंगे। दिसंबर तक आपकी कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी। आप इस बात को समझिएगा, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से तो मीडिया और टीवी में बताया जा रहा, लेकिन अंदर खानों में वो 150 गाड़ियां कैसे सक्सेस हो, कैसे उनको ज्यादा पैसेंजर मिले, कैसे प्राइवेट लोग फायदे में जाएं, उसका प्लान चल रहा। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम रेलवे बोर्ड की हर एक चाल को जानते हैं। हम लोगों ने, हमारे महामंत्री जी ने आप सबके साथ मिलकर के निर्णय लेने का काम किया कि पूरे देश में 7,500 रेलवे स्टेशन कितने हैं, 7,500 रेलवे स्टेशन है, और हर स्टेशन पे AIRF और NRMU है। कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां पे AIRF या उससे एफिलेट यूनियन का प्रतिनिधि ना हो, कैडर ना हो, और उसके साथ काम करने वाले हमारे रेल के साथी ना। ठीक है, हो सकता है कि हम 12,26,000 रेल कर्मचारी इस लड़ाई के लिए बहुत छोटे, हमारी कोई हैसियत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे के सिस्टम में जुड़े थे, हमारे डेली पैसेंजर थे, हमारे यूजर थे, हमारे वकील थे, हमारे पत्रकार थे, हमारे प्रधान थे, गांव की वो गरीब जनता थी, गांव का वो आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, निगोहा बछरावा हरचंदपुर से इंटरसिटी से जाने वाले वो लोग जो घर से 2 रोटी बना करके, थोड़ा नमक प्याज एक पोटली में बांध करके ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठ करके लखनऊ जाते थे, वहां काम करते थे, और शाम को आते समय वही रोटी और प्याज खाते थे और स्टेशन के नल का पानी पीते थे और अपने घर में चले आते थे MST बनवा करके। हम उन लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल करने का काम करेंगे, और वो बहुत बड़ा तबका है, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अगुवाई करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हमको लोगों को लीड करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पूरे देश के साथ कुचक्र हो रहा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये उन सभी देशवासियों के साथ हो रहा है जो इस विधा में जुड़े हुए। निजीकरण एक मोनोपोली है, ठेकेदारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। 10 रुपए का सामान हम 100 रुपए में ठेकेदार से खरीदते हैं, अगर वही काम हमारा विभाग करे। एक उदाहरण देता हूं आपको, एलेस्थॉन एक कंपनी है जो रेलवे कोच को बनाती है, उसका एक LHV कोचेस जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, ये सब डाटा आपको मिल जाएगा जब आप चाहोगे।
एलेस्थान एक को 6 करोड़ रुपए का देती है। हमारा कपूरथला का जो रेल कोच फैक्ट्री है वो 1,20,00,000 में कोच बनाती है, सेम कोच उससे अच्छी सुविधा का। हमारी जो MCF है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, LHP का वही कोच जो 6 करोड़ का एलेस्थान बेचती है उसको हम 90,00,000 में बनाते हैं। बात समझिए आप हमारी, हम 90,00,000 में अच्छा कोच बना के दे रहे हैं, पर हमारा प्रोडक्शन कम कर दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री में पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 2,500 कोच बनाने का टारगेट था, अभी सिर्फ 1,200 कोच बनाने का टारगेट है 1 अप्रैल से, और जिसमें से 500 कोच बन चुके। अब उन लोगों के पास काम ही नहीं है, ये सरकार की मोनोपोली है कि हम रेल कोच फैक्ट्री में कोच न बना करके एलेस्थान पे कोच लेंगे। जो लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी 60 करोड़ में बना करके दी, ड्यूअल सिस्टम का इंजन, इलेक्ट्रिक से भी चलेगा डीजल से भी चलेगा, 60 करोड़ में बना के दिया, हमारे चितरंजन के साथियों ने, चितरंजन लोकोमोटिव के साथियों ने उसी कोच को मात्र 6,40,00,000 में बना के देने का काम किया। हम क्यों नहीं काम लेना चाहते, हमारी कार्य पद्धति में कहीं कमी है, हम कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे ट्रेंड करिए ना, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। मोदी जी सिर्फ लाल किले से चिल्लाते हैं स्किल।